नमस्कार दोस्तों, होम मेकिंग विद अपेक्षा चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमारे कपड़े होते हैं जो हम यूज करते हैं, होजरी के, पजामा, टी शर्ट, बनियान, इन कपड़ों को जो हम आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं पूरी तरीके से, इनको ये कंफर्टेबल जितने होते हैं उतना ही ये सिलाई नहीं लग पाती। अगर किसी को लूज करना है, टाइट करना है, तो ऐसे कपड़ों को आप कभी भी सिलाई नहीं लगा सकते नॉर्मल मशीन से, क्योंकि या तो सिलाई लगती नहीं है, लग जाती है तो थोड़े दिनों बाद कट कट के उसमें छेद हो जाते हैं और वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होती। जैसे कि मैं अभी इस सिलाई मशीन से लगा के दिखाऊंगी तो उसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो आज मैं आपके साथ ट्रिक शेयर कर रही हूँ वो इतनी कामयाब है कि मैं उसका हमेशा यूज करती हूँ। बहुत कामयाब है और बहुत ईजी है। तो उससे जब आप सिलाई लगाओगे ना, आपकी सिलाई कटेगी और ना ही आपकी ऐसी सिलाई आएगी जैसी इसमें आई हुई है, ढीलू सी। तो ऐसी सिलाई से बचने के लिए आज मैं आपके साथ ट्रिक शेयर कर रही हूँ। बहुत ईजी है दोस्तों, आप जब देखोगे ना तो आपको लगेगा वाह क्या बात है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हमारे जो स्त्री के लोअर पजामे टी शर्ट होते हैं वो इस वजह से ख़राब हो जाते हैं क्योंकि उनको सिलाई नहीं लगा पाते हम। तो ये देखिए, ये खुल जाती है बहुत जल्दी और जगह जगह से ये अपनी चाल भी छोड़ती है, और फिर ऐसे देखिए ऐसी हो जाती है। और इसको हमें ठीक कैसे करना है, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सिलाई मशीन का पैर है उसको हम उतार लेंगे, जैसे मैंने इसको उतार लिया है। अब आपको क्या करना है, इतनी अच्छी ट्रिक है दोस्तों, एक बार ज़रूर करके देखना। अब जो टेप आती है ये वाली, मोटे वाली, मतलब मोटी नहीं कह सकते इसको, चौड़े वाली, तो ये वाली टेप आपको लेनी है और इसको इस तरीके से इस पैर को रखना है जैसे मैंने रखा है, बिल्कुल ऐसे। रखने के बाद इसको आप टेप को कट कर लें और इसको इसी शेप का कट कर लें जिस शेप का इसका पैर है, जैसे मैं कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है दोस्तों, ऐसे हम 11 नंबर की सुई लगाते हैं होजरी के कपड़ों के लिए, जो कि आपको पता है। अगर नहीं पता तो आप 11 नंबर की सुई यूज करें, क्योंकि अकेले 11 नंबर की सुई कामयाब नहीं है। मैं हमेशा सिलाई करती हूँ तो मुझे पता है, लेकिन ये ट्रिक कामयाब है। अगर 11 नंबर की सुई लगा के आप इस तरीके से पैर लगाओगे तो आप किसी भी टी शर्ट पे, किसी भी लोअर पे, पजामे, बनियान तक भी आप सिलाई लगा सकते हो, क्योंकि बनियान से ज़्यादा स्ट्रेचेबल कोई कपड़ा नहीं होता। अब ये देखिए दोस्तों, अब आप देख लीजिए ये सिलाई कितनी अच्छी आ रही है, बहुत ही परफेक्ट सिलाई आएगी, नहीं कटेगा आपका कपड़ा और इतनी अच्छी सिलाई आएगी कि किसी भी तरीके से नहीं आती नॉर्मल मशीनों से ऐसी वाली सिलाई। और इसको आप खोलोगे ना दोस्तों, खुलती नहीं है, ये बहुत अच्छी सिलाई आ जाती है। अब ये मैंने आपको टी शर्ट के ऊपर करके दिखाया है, इसके बाद मैं आपको दूसरी चीज़ों पे करके दिखाऊंगी। लोअर पे आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोअर होते हैं जो कि नीचे से कट जाते हैं, उनको सिलाई लगाने की ज़रूरत होती है, या कई बार लेंथ बड़ी होती है तो उनको शॉर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट सिलाई आई है, इस सिलाई में कभी होल नहीं होंगे और बहुत अच्छी परफेक्ट बैठेगी। अब दूसरा मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको ये लोअर, इसमें मैं सफ़ेद धागा इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको सिलाई दिख जाए, बाकी आप अपने हिसाब से यूज़ करें। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए बहुत अच्छी परफेक्ट सिलाई बैठेगी, और मैं इसको कई बार यूज़ कर चुकी हूँ। हमेशा सोचती थी जब भी यूज़ करूँगी कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगी, लेकिन हो नहीं पाता था किसी वजह से, जल्दी में लगानी पड़ती है सिलाई, कभी ज़रूरत होती है तो। और ये तीसरी मैंने बनियान ली है। अब बनियान को देख के तो आपको यकीन हो ही जाएगा, जो सिलाई मशीन बनियान पर सिलाई कर सकती है तो वो ट्रिक कितनी कामयाब होगी। ये देखिए दोस्तों, अगर सिंथेटिक कपड़ा भी है, बहुत ज़्यादा जो सिंथेटिक आते हैं वो स्ट्रेचेबल होते हैं, उन पे भी आप इससे सिलाई कर सकते हो। तो ये देखिए, मैंने सारे आपको जूम करके सिलाई दिखाई है और बहुत ही अच्छी सिलाई आती है। आप इसको कितना खींचो, सिलाई टूटेगी नहीं, नहीं तो वो दूसरी सिलाई जब आप लगाओगे नॉर्मल मशीन से, तब सिलाई जब आप ऐसे खींचोगे ना कपड़ा, तो देखना कभी भी टूट जाएगी, लेकिन इसको कितना भी स्ट्रेच करो ये सिलाई टूटेगी नहीं। देखिए बिल्कुल नहीं टूटेगी, इसको उल्टा सीधा कितना भी स्ट्रेच करके देख लो, तो है ना कामयाब ट्रिक। इसको ज़रूर आजमाएं और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाइक करें, इतनी अच्छी वीडियो शेयर करने के लिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।